हेलो देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्ली स्टेज के बारे में। तो अगर आपके घर में कोई मोटा व्यक्ति है या आप मोटे हैं, ओ माय गॉड, तो आराम से वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं अर्ली स्टेज के बारे में बताऊंगा जो कि मोटापा कम करने की दवा है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं। ये जो दवा अर्ली स्टेज है, ये हमारे शरीर का मोटापा कम करता है। कैसे कम करता है इसके बारे में पहले जान लीजिए। हमारे शरीर में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं लाइपेस। इस लाइपेस का काम होता है जो तेल हम खाते हैं या जो चर्बी हम खाते हैं या जो वसा हमारे शरीर में जाता है उसको वो तोड़ता है, और जब वो टूट जाता है वसा, चर्बी या तेल, उसके बाद वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, मतलब घुल के हमारे शरीर में पहुँचता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो दवा अर्ली स्टेज है, ये लाइपेस को रोक देता है उस वसा फैट को तोड़ने से, जिसके वजह से हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और हमारा वजन नियंत्रित हो जाता है। ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि अर्ली स्टेज को हमेशा लो कैलोरी डाइट्स के साथ में खाया जाए। आम तौर पे देखा जाए तो अर्ली स्टेज हमारे पेट में और छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। इसके मदद से कोई एक मोटा आदमी अपना वजन घटा सकता है, और ऐसा कहा जाता है नॉट टेकन व्हेन द मील हैव लेस और नो फैट, मतलब कि जब आदमी के खाने में वसा की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, तो उस समय इस दवा को खाना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज सवेरे मुझे भिंडी की सब्जी खानी है तो मैं इस दवा को नहीं खाऊंगा, और जब रात में मुझे मीट खाना है तो उस समय मैं इस दवा को जरूर खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मीट में फैट की मात्रा ज़्यादा है और भिंडी में फैट की मात्रा कम है। विटामिन सप्लीमेंट जैसे कि ए डी के को हम अर्ली स्टेज के साथ में अलग से देते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये विटामिन ए डी के जैसे विटामिन जो हैं इनको हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने नहीं देता है, तो इस वजह से हम अलग से विटामिन देते हैं ताकि भारी मात्रा जब रहेगी विटामिन की तो वह ये विटामिन कहीं ना कहीं थोड़े अमाउंट में ही हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अर्ली स्टेज को 6 महीने से ज़्यादा उपयोग ना करें, मतलब 6 महीने से ज़्यादा इसको ना खाएं। और साथ ही साथ अगर 12 हफ्तों के अंदर आपको कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है यदि आप अर्ली स्टेज खाते हैं तो आपको ये दवा बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले आप बॉडी मास इंडेक्स देख लीजिए, यहाँ पे बता रहा है 18 से 24, 25 से 29, 30 से 34 और 35, मतलब यहाँ पे अलग अलग आपको कैटेगरी डिवाइड किया है। ओवरवेट देखिए कहाँ से कहाँ है, मतलब बॉडी मास इंडेक्स 25 या 29 अगर है तो उसको हम कहेंगे ओवरवेट। ओबेस मतलब मोटे जो होते हैं वो 30 से 34, जिनका बॉडी मास इंडेक्स होता है उनको मोटा कह देते हैं। और एक्सट्रीमली ओबेस मतलब हद से ज़्यादा मोटा या मोटापा जिसके अंदर है उसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स उसका 35 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझिएगा, ऐसे लोग जो कि 30 से ले के 35 जिनका बॉडी मास इंडेक्स है, ऐसे लोगों को 120 mg लेना है अर्ली स्टेज का दिन भर में 3 बार। ठीक है, और जबकि ऐसे लोग जो कि 25 से 29 के बीच में, या ऐसे समझ लीजिए 28 से ज़्यादा जिनका बॉडी मास इंडेक्स है, उन लोगों को 60 mg लेना है अर्ली स्टेज का दिन भर में 3 बार। मैंने एक ही चीज़ बोला बार बार कि अगर आपके खाने में फैट की मात्रा कम है तो उस समय आप अर्ली स्टेज का इस्तेमाल मत कीजिएगा। भिंडी और मीट वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उसको समझिएगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि अर्ली स्टेज को किस जगह पे ना इस्तेमाल किया जाए या कैसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए। सबसे पहले ऐसा पेशेंट जो क्रोनिक माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, मतलब जिसके शरीर में खाना नहीं पच पा रहा है सही से, या उसके छोटी आंत में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से सही से उसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं पच पा रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे लोगों को अर्ली स्टेज बिल्कुल ना दें। कोलेस्टेसिस मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां हमारे लीवर से सिक्रीट होने वाला बाइल बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, ये जो बाइल होता है ये एक तरह का ऐसा तरल पदार्थ है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन मतलब एक ऐसी महिला जो अपने बच्चों का स्तनपान करा रही हैं उनको भी अर्ली स्टेज नहीं दिया जाता है।
प्रिकॉशन। स्पेशल प्रिकॉशन मतलब बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ता है। कैसे लोगों को? ऐसे लोग जिनके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, जिनके किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या जिनको ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब ब्लड शुगर है जिनको, या जिनका थायराइड फंक्शन T3 T4 बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे लोगों को भी अर्ली स्टेज खाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ब्लड शुगर वालों को अपना शुगर लेवल देखना पड़ता है, थायराइड वालों को अपना थायराइड T3 T4 कहीं बढ़ा है ऐसा चेक करना पड़ता है। जिनके लीवर या किडनी में कोई प्रॉब्लम है उनको लगातार हर एक एक महीने पे या 15 दिन पे KFT या LFT मतलब कराना पड़ता है, दैट इज लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। चलिए अब हम बात करते हैं अर्ली स्टेज का इस्तेमाल करते समय कौन सी दवाओं का इस्तेमाल ना किया जाए या कौन सी दवाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसके बारे में बात होने जा रही है। अर्ली स्टेज खाते समय आपके शरीर के अंदर आयोडीन का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। यदि आप थायराइड के पेशेंट हैं, लिवोथायरोक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका भी एब्जॉर्प्शन आपके शरीर के अंदर घट जाएगा। विटामिन ADEK जैसे जो ये विटामिन्स हैं, इनका भी एब्जॉर्प्शन आपके शरीर के अंदर घट जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से होता क्या है, डॉक्टर अलग से विटामिन्स की गोलियां भी देते हैं जब पेशेंट को अर्ली स्टेज का इस्तेमाल करवाते हैं तब। दूसरा पॉइंट, एक दवा है साइक्लोस्पोरिन, ध्यान से समझिएगा। साइक्लोस्पोरिन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है या लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है उस समय, या तो जब किसी को सोरासिस हुआ रहता है उसको सही करने के लिए, और या तो किसी को गठिया हुआ रहता है तो उसको सही करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग कहा जाता है, ठीक है। तो ये अर्ली स्टेज जो हमारे शरीर में साइक्लोस्पोरिन की मात्रा होती है उसको घटा देता है, जिसके वजह से साइक्लोस्पोरिन सही से काम नहीं कर पाता है। एमियोडेरॉन एक तरह की ऐसी दवा है जिसको हम हार्ट बीट इरेगुलरिटी को सही करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आपका हृदय सही से धड़क नहीं पाता है तो उसको वापस से उसके रिदम में लाने के लिए एमियोडेरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि अर्ली स्टेज के साथ एमियोडेरॉन का इस्तेमाल किया गया तो वो भी सही से काम नहीं कर पाएगा। ऐसी दवाएं जो झटका अगर हमारे शरीर में लग रहा है तो उस झटके को रोकने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेलप्रोएट, लैमोट्राइजिन, ऐसी दवाएं भी हमारे शरीर में सही से काम नहीं कर पाएंगी यदि अर्ली स्टेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। एंटी रेट्रोवायरल मतलब HIV/AIDS की अगर किसी की दवा चल रही है और अर्ली स्टेज खा रहा है तो वो दवा भी सही से काम नहीं कर पाएगी। एंटी साइकोटिक मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति या मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उसका दवा चल रहा है और ऐसे व्यक्ति को अर्ली स्टेज दे दिया जाए तो वो सही तरीके से ये एंटी साइकोटिक ड्रग अपना काम नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से मानसिक संतुलन हमेशा ही बिगड़ा रह सकता है। यदि आप अर्ली स्टेज का इस्तेमाल एंटी डायबिटिक के साथ में करते हैं, मतलब एंटी डायबिटिक एक ऐसी दवा जो आपके शरीर में शुगर की मात्रा को कम करती है, उस दवा के साथ में अगर आप खा लेते हैं अर्ली स्टेज तो एंटी डायबिटिक का काम बढ़ जाएगा और आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अर्ली स्टेज को खा लीजिएगा साथ में, मतलब उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप अर्ली स्टेज को वारफेरिन के साथ में खा लेते हैं तो वारफेरिन का काम जो है वो आपके शरीर में बढ़ जाएगा। वारफेरिन क्या करता है, एंटी कोगुलेंट ड्रग है, मतलब आपके शरीर में ये कहीं खून के थक्के को जमने नहीं देता है। अर्ली स्टेज के साथ में हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना लिए जाएं। कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं अर्ली स्टेज को खाने के बाद में, अगर मान लीजिए अर्ली स्टेज साइड इफ़ेक्ट दिखाया तो सबसे पहले तो आपको बहुत तेज प्रेशर आएगा और बार बार आप टॉयलेट की तरफ भागेंगे। दूसरा पोंपाढुस मतलब आपके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनेगा और आप अपने गैस से परेशान हो जाएंगे, और साथ ही साथ कोमोड में आपके फैटी स्टूल आ सकता है, मेंस्ट्रुएशनल इरेगुलरिटी भी देखने को मिल सकता है, हेडेक, सिर में बहुत तेज दर्द होगा, रेक्टल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है, मतलब गुहाशय से रक्त का रिसाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो सकता है एक व्यक्ति को साइड इफ़ेक्ट के तौर पर अर्ली स्टेज के, और बहुत ही खतरनाक लीवर डैमेज भी कर सकता है अर्ली स्टेज यदि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको साइड इफेक्ट दिखा रहा है ये तो। अर्ली स्टेज के जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं हमारे मार्केट में वो यहाँ पे मैंने सबका नाम लिख दिया है, आपके हाथ में कौन सी दवा है ये आप छांट लीजिएगा। और हाँ, ये बात समझना, साइड इफ़ेक्ट से आप ज़्यादा डरना नहीं, क्योंकि कई हजारों में लाखों में कोई एक ऐसे होते हैं जिनको ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। मगर एक चीज़ समझिएगा कि अर्ली स्टेज का पोटेंशियल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस दवा को हम इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट्स को।
फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं या नर्स हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो चार दवाओं के बारे में जान के, चार बीमारियों के बारे में जान के चार लोगों को बताना चाहते हैं तो बात मानिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।